सड़क सुरक्षा माह के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत हमीरपुर बाल मैदान में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान हमीरपुर के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया है, जिसमें हमीरपुर के स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान आरटीओ हमीरपुर वीरेंद्र कुमार व एसडीएम हमीरपुर डॉक्टर चिरंजी लाल चौहान भी मौजूद रहे। बोलिया डर खत्म नहीं होया, मास्क लगाई नहीं रखने, कने टाइम टाइम हाथ धोंदे रहिए। ओ लाड़िए, ओ लाड़िए, वो कुत्ती जाई ने बड़ी दी। आ लाड़िए, हां जी पिताजी की गला दे भाई, जबरा भरवार पकता खने। आ शाबाश तिजो शाबाश बच्चा, ये गलांदी तू सोरे खने गए हो, एक एक गला दे खाई डट्टी हो डट्टी दे। वो देखा क्या गला दी बच्चा। ओ लाड़िए, हां जी, वो ये पानी या पूछ ले, पानी पूड़ी मेरे भाईओ, सीट बेल्ट जरूर लगानी हो, सुनो हो मेरे भाइयों, गड्डियां चलांदे फोन नहीं सुनना हो, सुनो मेरे भाइयों, हो मोड़े मोड़े हो, सुनो मेरे भाइयों, दुर्घटना से बचना हो, राजो बचाना हो, सुनो मेरे, सुनो मेरे भाइयों। अपने बचाने हो, सुनो मेरे भाइयों, असाए जिंदड़ी नहीं हो गवाने हो, सुनो मेरे भाइयों, ए जिंदड़ी आए जिंदड़ी नहीं हो गवाने हो, सुनो मेरे भाइयों, ओ सड़क सुरक्षा नियम अपनाना हो, सुनो मेरे भाइयों, ओ जीवन सुन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंचे स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को यातायात नियमों का पालन करने व अन्य लोगों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की शपथ दिलवाई गई। स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि सड़क सुरक्षा माह अभियान 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जा रहा है, तथा इसके तहत सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करके वाहन चालकों तथा सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी के अभाव के कारण अक्सर लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। यदि इन नियमों के बारे में आमजन जागरूक होंगे तो दुर्घटनाओं में कमी होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की सड़कों पर वाहन चलाते समय ज्यादा सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हर व्यक्ति को अपने गंतव्य तक पहुँचाने की जल्दी है, और इसी जल्दी के कारण अक्सर लोग सड़क पर पैदल चलते हुए या वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा नियमों को भूल जाते हैं, जिसके कारण आकस्मिक सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि सभी लोग सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि ये सड़क पर चलने वाले सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। किसी को पता है कि भारत सरकार द्वारा ये रोड सेफ्टी के लिए का पूरे देश में अभियान चलाया है, उसी सिलसिले में आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में हमने यूथ क्लब, जितने भी थे हमारे युवा जो थे, उनको हमने इस सिलसिले में यहाँ पर बुलाया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो एक्सीडेंट के आंकड़े हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। लगभग 1.5 लाख के करीब हर साल यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, और 15 मिलियन के करीब यहाँ पर लोग मारे जाते हैं, और ख़ासकर जो यंग जनरेशन है उसका डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। और अगर अपने देश का बाकी बाहर के देशों के साथ कंपेरिजन करें तो भी हमारा जो एक्सीडेंटल का रेट है वो उनसे ज़्यादा है। तो आज के दिनों में यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो नौजवान हैं और सभी जो भी हैं जो व्हीकल चलाते हैं, जो रोड सेफ्टी के नियम हैं अगर उनको हम प्रॉपरली फॉलो करें और स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो हमारा जो एक्सीडेंटल रेट है वो कम आ सकता है। और ख़ासकर जो हमारी यंग जनरेशन है वो एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा भागीदारी उनकी रहती है, और आजकल आप सभी जानते हैं कि एक परिवार का एक बच्चा होता है, और वही अगर एक्सीडेंट में चला जाए तो परिवार जो ख़त्म हो जाता है।
तो मैं यही कहना चाहूँगा नौजवान को कि जो हमने आज यहाँ पर रोड सेफ्टी के कुछ रूल्स बताए उनको हम फॉलो करें और हेलमेट चला के बिना शराब के गाड़ी चलाएं और सीट बेल्ट का कम से कम गाड़ी में बैठकर उनका जरूर प्रयोग करें। आज का मेरा यही संदेश है, तभी हम अपने और इसमें देखो आप भी यही जानते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी इतना कितना ज़्यादा इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लगभग 4,00,000 करोड़ रुपया जो है वो हमारा एक्सीडेंट की वजह से बर्बाद हो जाता है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि रोड नियम का पालन करके ही हम आगे व्हीकल चलाएं। थैंक यू। आता है कि जहाँ एक्सीडेंट होते हैं तो लोग वहाँ से आँख चुरा के भागने की कोशिश करते हैं। ऐसा है, लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर हम इसको ले गए और ये ठीक, अगर 1 घंटे के अंदर अंदर अगर हम उसको हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं तो हमारी डेथ रेट जो काफ़ी कम आ सकता है, लेकिन लोग साथ एक कॉम्प्लिकेशन में हमें केस के आगे गवाही देनी पड़ेगी, वो करेंगे। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि हम इसको भी अब आप उनसे जो भी अगर ऐसी हैपनिंग होती है आप इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल ले जाइए, आपके साथ ना कोई ज़्यादा पूछताछ होगी ना ही आपको केस में इन्वॉल्व किया जाएगा। हम इसमें अब ये अमेंडमेंट जो है वो की जा चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में लोग भागने की बजाय अब उस इंजर्ड को हॉस्पिटल ले जाने में अपना पूरा प्रयास करेंगे।